आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन टू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, देन चार्ज फ्लो ऑकर्स बिटवीन द टू इफ देयर पोटेंशियल्स आर डिफरेंट। सेकेंड रीजन, ये असर्शन था गाइस, रीजन में हमें दिया हुआ है टू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूट टोटल चार्ज टू एक्वायर द सेम पोटेंशियल। देखिए गाइस, यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है और ये जो दूसरा है ये हमारा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम लोग कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो इन दोनों के बीच चार्ज फ्लो होता है क्योंकि पोटेंशियल जो है इनका डिफरेंट है, ठीक है। अगर इनका पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल वी वन है, इसका पोटेंशियल वी टू है, इस पर चार्ज क्यू वन है, इस पर चार्ज क्यू टू है, तो इसको अगर हम लोग कॉन्टेक्ट में लाए, किसी कनेक्टिंग वायर से अगर हमने इसको जोड़ दिया या फिर इसको टच करा दिया, फिर एक से दूसरे में या फिर दूसरे से पहले में चार्ज फ्लो होगा। पहले में ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में बोल दिया हुआ है गाइस, रीजन हमें दिया हुआ है कि जब कॉन्टेक्ट में लाए जाते हैं दो ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच चार्ज फ्लो जो होता है वो ऑकर होता है, और तब तक होता है जब तक कि इन दोनों की एनर्जी जो सॉरी इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। यानी ये दोनों चार्जेस जो हैं क्यू वन और क्यू टू जो इन पे हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके, और तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब तक कि इन दोनों के पोटेंशियल जो हैं वो इक्वल नहीं हो जाते फाइनल पोटेंशियल, ठीक है गाइज। तो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे वाटर के लेवल में अगर डिफरेंस हो, मान लेते हैं कि अगर ये वाटर का लेवल जो है कुछ ऐसा, यहाँ पे एक बॉटल हमने रख दिया और एक बॉटल जो है अगर हमने यहाँ पे रख दिया, भले ही इसमें वाटर जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है और इसमें अगर कम भरा हुआ है, लेकिन अगर लेवल में डिफरेंस होता है और हमने इसको कनेक्ट किया, तो वाटर जो होता है वो हायर लेवल से कम लेवल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। इन द सेम वे जो चार्ज होता है गाइज, वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अगर यहाँ पे मैं सिचुएशन में वी वन ग्रेटर देन वी टू कंसिडर कर लूँ, फिर इन दोनों को कनेक्ट करते ही ए से चार्ज जो है वो बी की तरफ जो होगा वो एक ए से बी की तरफ जो चार्ज है वो ट्रेवल करने लगेगा, ठीक है। मतलब कि चार्जेज जो है वो ए से बी तक की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, और तब तक शिफ्ट होंगे जब तक इन दोनों के पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो हो रहा है गाइज। और अगर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा फिर चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज भी फ्लो हो रहा है, हम लोग ये बात कह सकते हैं, ठीक है। यानी अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। होप कोई पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।